ये है Honor Band 3। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका प्राइस कितना है, इसमें आपको फीचर कौन सा मिल जाता है और क्या आप इसे खरीद सकते हैं या नहीं। तो वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव, आप देख रहे हैं यहाँ एवरीथिंग। दोस्तों ये बॉक्स gearbest.com ने मुझे रिव्यू के लिए भेजा हुआ है। ये एक चाइनीज वेरिएंट है और इसमें आपको कुछ ज़्यादा फीचर मिल जाता है इंडियन वेरिएंट के मुकाबले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं Honor Band 3 लिखा गया है यहाँ पर चाइना में, और इसके नीचे में कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया है, साइड में कुछ QR कोड दिया गया है और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है बॉक्स के आगे में। वहीं दोस्तों अगर आप इसे पीछे के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ फीचर यहाँ पर दिखाया गया है इस बैंड में। ये यहाँ पर अगर हमें आपको पढ़कर दिखाऊं तो यहाँ पर चाइनीज में लिखा गया है, फिर भी अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट जो है स्लीप मॉनिटरिंग है, आपका जो स्लीप होगा कितना आप सोते हैं वो भी मॉनिटर करेगा, हार्ट रेट यहाँ पर मॉनिटर करेगा ये बैंड। और उसके बाद स्मार्ट नोटिफिकेशन का भी फीचर इसमें दिया गया है, और यहाँ पर आप इसके साथ स्विमिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक्टिविटी नोटिफिकेशन का भी यहाँ पर फीचर मिलेगा आपको। और दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया कि लास्ट लॉन्ग बैटरी यानी 30 डेज का यहाँ पर आपको बैटरी मिलेगा। लेकिन जो दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर दिखाया गया है वो है NFC का, जो कि आपको इंडियन वेरिएंट में नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इसे इंडिया में खरीदना तो खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको NFC फीचर इंडियन वेरिएंट में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप इसे gearbest.com से मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बॉक्स में ऊपर और नीचे यहाँ पर दो सील लगाया गया है, तो इसे मैं अनबॉक्स करूँगा इस सील को हटाकर। इस ये बॉक्स जो है काफ़ी टाइट तरीके से यहाँ पर फिट किया गया था, तो इसे देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्लाइड करके निकालता हूँ। निकालते ही वक्त यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ इस तरह का बॉक्स अंदर में मिलेगा। यहाँ पर पहले बैंड आपको मिल जाएगा जो कि मैंने ब्लैक कलर में मंगवाया हुआ है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं बैंड का क्वालिटी कैसा है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक कलर का यहाँ पर फुल यहाँ पर जो बैंड है रबर का यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जो एक यहाँ पर देख सकते हैं आपको ब्रांडिंग मिल जाता है Honor का। और दोस्तों आगे के साइड में आप देख सकते हैं एक आपको डिस्प्ले मिल जाता है, उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं एक बटन मिल जाता है जो कि मल्टी फंक्शनल है, इसे आप टच करके इसे कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ होल्स मिल जाते हैं बेल्ट में जिससे आप अपने कलाई में एडजस्ट कर पाएंगे। दोस्तों आप यहाँ अगर आप पीछे की साइड में देखें तो यहाँ पर आपको हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है। यहाँ पर जो इसका बेल्ट है ये फिक्स्ड है, इसे आप निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रू के साथ इसे फिट किया गया है। अगर यहाँ पर मैं दूसरे बॉक्स को यहाँ पर ओपन करो तो एक चार्जर आपको मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है जो कि आपके बैंड में कुछ इस तरह से यहाँ पर फिट होगा। इस एडाप्टर के पिन को अपने बैंड में इस तरह से आप फिट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे आप बूट करने के लिए पहले आपको फिट करना होगा और चार्ज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको बॉक्स में एक यहाँ पर केबल मिल जाता है और यहाँ पर कुछ जो पेपर वर्क है वो चाइनीज में मिल जाता है। इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इसे मैं साइड कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको इसे बूट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो चार्जर है यहाँ पर जो इसका यहाँ पर एडेप्टर, इसे आप फिट करेंगे अपने बैंड में। उसके बाद जो यहाँ पर पोर्ट दिया गया है उसमें आपको फिट करना है। उसके बाद आप इसे पावर बैंक के साथ कनेक्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम बूट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं आपको बोलेगा कि आप इसे पेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको पेयर करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको स्मार्टफोन में आपके जो स्मार्टफोन होगा वहाँ पे जाना होगा पेयर करने के लिए इस बैंड को। तो दोस्तों सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा और Huawei का वेयर एक एप्लीकेशन है, Huawei वेयर, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको Huawei हेल्थ एप्लीकेशन दोनों को इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पर देख सकते हैं इसे आप ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एग्री करेंगे, जो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगे उसे आप फिल कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका Honor Band 3 यहाँ पर आ जाएगा पेयर के लिए। जैसे यहाँ पर पेयर के लिए ऑप्शन आएगा आपके बैंड में कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पेयर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं ये चाइनीज वेरिएंट है तो आपका जो बैंड होगा पहले आपको चाइनीज लैंग्वेज दिखाई देगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सेटिंग में जाकर जो लैंग्वेज होगा आपका वो इंडियन इंग्लिश होगा दोस्तों, उसे आप चेंज करके इंग्लिश US कर देंगे तो डायरेक्टली आपका जो बैंड होगा वो चाइनीज से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी आप अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पर एप्लीकेशन में आएंगे यहाँ पर स्लीप मॉनिटर का जो यहाँ पर है पहले से डिसेबल किया गया है, इसे आप इनेबल कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर जो इसमें दिया गया है पहले से यहाँ पर एप्लीकेशन में डिसेबल दिखा रहा है, इसे आप एप्लीकेशन से जाकर इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हार्ट रेट सेंसर है इसे भी यहाँ पर डिसेबल किया गया है एप्लीकेशन से ही, तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन का एक फंक्शन मिल जाता है जिसमें आप बहुत सारे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन पा सकते हैं डायरेक्टली आप अपने बैंड में ही, तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर फीचर दिया गया है इस बैंड के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिसका आप नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप अपने बैंड में ही पा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, बहुत सारे एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में हो सारे
एप्लीकेशन का आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पा सकते हैं। कौन चीज़ आप पहले देखना चाहते हैं वो भी आप डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन से ही। तो मल्टी फंक्शन आप एप्लीकेशन से कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपना डाटा देखने के लिए जो हुआवी का हेल्थ एप्लीकेशन है उसमें जाना होगा। डायरेक्टली आपका जो भी यहाँ पर डाटा होगा वहीं पर शो करेगा। देख सकते हैं मैं अभी चल रहा हूँ तो यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर स्टेप है काउंट कर रहा है। दोस्तों ये स्टेप जो काउंट करता है यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप काउंट कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर 10 स्टेप लेता हूँ तो यहाँ पर 12-15 स्टेप दिखा देता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसे इंप्रूव करना होगा हुआवी को। बाकी आपको सब कुछ यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआवी ने इसे 30 दिन का बैटरी बैकअप का यहाँ पर दावा करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे सारे फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ये 6 से 7 दिन ही बैटरी बैकअप देती है। लेकिन दोस्तों आप इसका जो हार्ट रेट मॉनिटर है इसे ऑफ कर देंगे तो ये दोस्तों आपको 20 से 25 दिन का बैटरी बैकअप दे देती है। तो बाकी सब कुछ अच्छा है, आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों ये बैंड जो है आपके कलाई में कुछ इस तरह से फिट हो जाता है, काफी बढ़िया यहाँ पर देखने में लगता है, स्लिम है और बढ़िया यहाँ पर लुक आपको देगा। इसे आप अलग कलर में भी खरीद सकते हैं, ब्लू है, ऑरेंज अवेलेबल है, gearbest.com से खरीद सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको एक फीचर इसका नहीं बताया, ये 50 मीटर तक वाटरप्रूफ है। जी हाँ दोस्तों, ये 50 मीटर तक वाटरप्रूफ, ये जो बैंड है 50 मीटर तक वाटरप्रूफ है। तो ये काफी बढ़िया फीचर यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर वाटर मैं इस पे डाल रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इसे चाइना से क्यों मंगवाया हूँ और आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसे gearbest.com से ही खरीदें। amazon.in पर भी मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आपको NFC का फीचर नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको 2799 का प्राइस पड़ जाएगा इंडिया में अगर आप खरीदेंगे amazon.in पर। लेकिन दोस्तों वहीं आप अगर इसे gearbest.com से खरीदते हैं, मैंने आपको एक डिस्काउंट कोड दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप उस डिस्काउंट कोड को अप्लाई करेंगे तो आप मात्र 2000 में इंडिया में मंगवा सकते हैं। आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी देना नहीं पड़ेगा, इसे 2000 के भीतर ही आप इंडिया में मंगवा सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर यहाँ मिल जाएंगे, जैसे एक NFC का फीचर आपको मिल जाएंगे इसमें जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो आप इसे मंगवा सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।